हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोवर्ड। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टायर इन्फ्लेटर के बारे में। आपके लिए कौन सा सस्ता और सबसे बढ़िया रहेगा, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज मेरे पास रखा है ये फुट पम्प, इलेक्ट्रिक एयर इन्फ्लेटर और एक मैनुअली हाथ से भरने वाला जो होता है, जो आप देखते हैं, जो पुराने टाइम से साइकिलों में चलता आ रहा है। लेकिन अब ये चाइनीज़ आ गया, तो इसमें डबल ऑप्शन दे दिया इसमें, बाइक एंड साइकिल्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ फुट पम्प के बारे में, इसमें क्या होता है और ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये, और मैं लास्ट लास्ट एंड में मैं आपको इनके प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो मेरे पास ये लगभग 2 साल से है और मैं मैन्युअली कार में और बाइक में से यूज़ भी करता था। फिलहाल अभी ये कुछ टाइम से ऐसे ही रखा हुआ। तो दोस्तों, ये छोटा सा चाइनीज़ प्रोडक्ट है और आप इसे कार और बाइक में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये इस तरह का एक नोज़ल दिया गया है, और साइकिल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा एक नोज़ल दिया होता है, जो आप साइकिल में लगाने के बाद इसमें फिट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये आपको बाइक एंड साइकिल्स में रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही आराम से साइकिल और बाइक में हवा भर सकता है। क्योंकि कार्स हैवी होती हैं, तो इसके प्रेशर पंप पे ज़्यादा लोड पड़ता है और ये बहुत जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसे आप कार में जितना हो सके कम यूज़ करिए। अगर फ्लैट टायर है तो थोड़ी बहुत हवा भरने के लिए काफ़ी है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर होता क्या है असल में, और इसमें प्रॉब्लम बाद में क्या आती है जिसकी वजह से ये ख़राब होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जैसे मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर होता क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बाद में ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक छोटा सा पंप होता है, और इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर का ये रबड़िंग लगा हुआ होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैक रबड़िंग लगा होता है, जो कुछ टाइम बाद नॉर्मली आप यूज़ करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ये रबड़िंग कट जाता है। तो आपके पास अगर ये ऑप्शन है, आपको ये चेंज करने का ऑप्शन है, आपको कहीं से ये रबड़िंग मोटा सा मिलता है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इसे कार में, बाइक में और साइकिल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये कार्स में यूज़ करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये लोड पड़ने की वजह से ये रबड़िंग कट जाता है। तो ज़्यादातर आप बाइक और उसमें कार्स में साइकिल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इसका ऑप्शन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस इसके इस रबड़िंग में ही आती है, क्योंकि उसके बाद प्रेशर बनाना बंद कर देता है। इलेक्ट्रिक एयर पंप, इसके अंदर ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है और आप इसे इलेक्ट्रिकली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक चार्जिंग 12 वोल्ट का सॉकेट दिया होता है, जो कि मैंने, क्योंकि इसका बहुत हल्का होता है कार में यूज़ करने के लिए, तो मैंने उसे चेंज करा के उसमें एक ये छोटी ये लगा दी, चुट होती है ना लगाने वाली, चुटकी सी होती है, ये मैंने इसमें ये लगा के इसे मैन्युअली कर दिया। और यहाँ से इसका बटन होता था वो भी ख़राब हो जाता था, क्योंकि ये जब कार्स में आप यूज़ करेंगे उसमें लोड ज़्यादा होता है, हैवी होती है, तो उसके बाद ये क्या होता है, या तो यहाँ से ये तार जल जाएगा या ये सॉकेट हो जाएगा, क्योंकि तार बहुत हल्का दे के रखते हैं कंपनी वाले। तो मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ, आपको ये, इसको भी मैं आपको चेक कराऊँगा ये आपका कितना चलता है। मैं इसे लगभग 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मैन्युअली मैं सबसे ज़्यादा इसे अपनी बाइक्स में, क्योंकि मेरा ऑटोमोबाइल्स का काम है, बाइक्स में यूज़ करता हूँ और कार्स के अंदर यूज़ करता हूँ, और साइकिल में, साइकिलिंग भी करता हूँ, तो मैं साइकिल में भी काम आ जाता है। अब तीसरा आपके पास आ जाता है मैनुअल हाथ से यूज़ करने वाला एयर पंप। इसके अंदर क्या है, आप इसे कार्स में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्स में यूज़ करने पे अगर थोड़ी सी हवा भरेंगे तो इसमें प्रेशर इतना हो जाता है, और ये यहाँ से मेटल बॉडी में होता है तो लोहे की, ये गर्म भी हो जाता है, और वॉल्व भी इसके अंदर से अगर आप ज़्यादा देर यूज़ करेंगे ये पाइप यहाँ से या तो फट जाएगा या अंदर से इसकी वॉल्व ख़राब हो जाएगी। तो आप इसे या तो साइकिल पे यूज़ करिए, साइकिल के लिए तो मैंने बना हुआ है ये, या फिर इसे बाइक्स में यूज़ करिए, बाइक में भी थोड़ा बहुत जैसे टायर फ्लैट हो जाता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं।
कार्स में यूज़ करने नहीं होता है ये, क्योंकि कार्स में यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया ना, ये पाइप जो होता है बहुत ही हल्की रबड़ होती है, और ये सबसे ज़्यादा यहाँ से फट जाता है गर्म होने के बाद, या फिर इसका जो अंदर की साइड, इसमें आप देख सकते हैं ना कि अंदर की साइड वॉल होती है, जो देखिए आवाज़ भी आ रही है आपको, इसमें जो वॉल होती है वो कट जाती है। ये भी मेरे पास बहुत टाइम से है और आज भी प्रॉपर काम करता है, क्योंकि मैं यूज़ करने का मेरा एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी भी एयर पंप लॉन्ग लाइफ चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से बैंड हो गया, लेकिन ये अंदर से वॉल ख़राब नहीं हुई ना इसका, बस एक बार इसका यहाँ से पाइप फटा था, वो मैंने चेंज करा दिया था, जो आपको बाज़ार से मिल भी जाता है 20-30 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप चाहें तो इसे साइकिल और बाइक में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कार के लिए नहीं बना हुआ, कार में थोड़ी बहुत हवा आ जाएगी, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कार को जैक पे उठानी पड़ेगी, तब ये थोड़ी बहुत हवा भर सकता है, नहीं तो आप इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करिए, यहाँ से फट जाएगा, इसकी वॉल्व फट जाएगी। अब रही बात इसकी इलेक्ट्रिक एयर इन्फ्लेटर की, तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है कार्स के अंदर इसी का होता है, और बाइक्स के अंदर भी, आदमी साइकिल के अंदर तो इससे भी हवा भर सकता है, और फुट पंप से भी, बाइक्स और कार्स के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। चलिए मैं आपको इसको साइकिल और बाइक में यूज़ करके दिखाता हूँ। उसके अंदर एक 12 वोल्ट का सॉकेट होता है, वो मैंने चेंज कर दिया, मैं मैनुअली से बैटरी से यूज़ करता हूँ, और दूसरा कंपनी इसके साथ जो देख रखती है वो एक फुटबॉल में भरने वाला सॉकेट देती है, और एक ये देख सकते हैं ये प्लास्टिक का ब्लैक कलर का जो है ये साइकिल के लिए दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये साइकिल के लिए दिया हुआ है, और आपको अगर कार में या बाइक मोटरसाइकिल में हवा भरनी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और एक जो दिया होता है बारीक, वो होता है फुटबॉल के लिए, क्योंकि फुटबॉल का इतना यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ, तो वो पड़ा होगा कहीं इधर उधर, यूज़ करता हूँ। चलिए मैं आपको इसमें हवा भर के दिखाता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ कौन सा आपके लिए बेस्ट है, और क्या इनकी लाइफ रहती है। तो देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो गई है यहाँ से, और इसमें हवा भरने की स्टार्ट हो गई है। तो आप ऐसे करके इसे साइकिल में यहाँ से सॉकेट लगा के, और इसे साइकिल में इसे तेज़ी से हवा भर सकते हैं, और बहुत तेज़ी से ये हवा भी भर रही है। देखिए टायर जो है लगभग हवा इसने भर ही दी, क्योंकि इसमें टायर मीटर काम नहीं करता है, तो आप इसे इस पर ध्यान ना दें, मैन्युअली हाथ से चेक करें इसमें हवा कितनी आई है, और आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वायर भी ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल में इतनी गर्म नहीं होती है, और नहीं साइकिल में इतना लोड भी नहीं होता है। तो ये देखिए इसमें हवा फुल हो गई, ये आप हाथ से देख सकते हैं, मैं बहुत टाइट से दबा रहा हूँ, हवा फुल हो गई है इसमें, इसमें एक मिनट भी पूरा नहीं लगा, और इसमें बहुत तेज़ी से हवा फिल कर दी इसमें। आप इसे ऐसे मैन्युअली साइकिल पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे बाइक के अंदर भी यूज़ करके दिखाता हूँ, बाइक के अंदर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। बस आप इसका बाइक में यूज़ करने के लिए आप इसका बाहर वाला साइकिल वाला जो सॉकेट होता है उसे निकाल लीजिए, और डायरेक्ट इसे टायर में फिट कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ टायर में लगाने के बाद, ये बाइक खड़ी है अपनी, और इसे मैं टायर में लगाने के बाद दिखाता हूँ। तो आप इसे मैन्युअली यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं घुमा कर, दोस्तों ये हमने इसमें बाइक के टायर में फिट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने साइकिल में ये चलाया था तो मीटर इसका आउट हो गया, अब ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मीटर इसका, क्योंकि साइकिल में चलाया था तो आउट हो रहा था, अब ये नॉर्मल खुद सेटिंग आ गया। इसमें 35 हवा जो है इसमें 35 PSI रियर टायर में हो रही है।
तो दोस्तों इससे मैंने आपको इलेक्ट्रिकली हवा भर के दिखा दिया है। ये फूड पंप मैन्युअली आप यूज़ कर सकते हैं और इसके बारे में भी। अब इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर क्या है और इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है। जब आप फूड पंप यूज़ करते हैं तो आप इसका मैन्युअली क्या होता है, जो मैंने आपको रबड़िंग दिखाया है वो सबसे जल्दी इसको कट जाता है, जिसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। सबसे जल्दी मैंने इसे लगभग आपसे 2-2.5 साल पहले परचेज़ किया था और ये 2 महीने बाद इसका, और सिर्फ मैंने इसे बाइक्स के अंदर इसकी हवा को इस्तेमाल किया, बाइक्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया हवा भरने के लिए, और सबसे जल्दी इसकी वही रबड़िंग कटा और ये ख़राब हो गया। तो आप अगर इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। आप इसे मत लें, सबसे जल्दी इसका रबड़िंग कटता है और फिर वही इसका मेन पॉइंट है, उसी से ये हवा को यहाँ से कंप्रेस करके आगे से भेजता है और उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसे तो अगर 2-4 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं फिर तो ले लीजिए, और ये इसकी कीमत भी 550 रुपये थी। आप इसमें महंगा भी ले सकते हैं, इसमें मिशलिन का आता है 2000 रुपये का, आप वो भी यूज़ करके देख सकते हैं। उसमें भी ये अगर 4 महीने चला हो, 6 महीने 8 महीने उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं वो चलेगा, क्योंकि उसके अंदर भी यही डबल पिस्टन दे रखे हैं और होता उसके अंदर भी रबड़िंग ही, और वही कटता है। अगर आपको बाहर से मिल जाए तो आप उसे यूज़ करते रहिए, चेंज करते रहिए और चल जाएगा। इलेक्ट्रिक एयर इन्फ्लेटर होता है, तो इसके अंदर कमी क्या है, अगर आप इसे ज़्यादा देर यूज़ करेंगे 10 मिनट 5 मिनट तो यहाँ ये जल्दी गर्म हो जाता है, और इसका ये जो वायर होता है कंपनी ने इतना हल्का दे रखा है तो सबसे जल्दी ये पिघल जाता है, और या तो ये सॉकेट पिघल जाता है। ये मैंने बाद में चेंज कर रखा है, जैसे आप देख भी सकते हैं ये चेंज किया हुआ है। तो मैं इसके अंदर अगर आपको बाइक के अंदर हवा भरनी है, बाइक है या क्या कहते हैं साइकिल है, तो उसमें तो बहुत जल्दी भर जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कार के अंदर इससे हवा भरनी है तो अगर आपकी कार में हवा कम है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बैक आती है तो, और वज़न बहुत होता है, तो उसे आप इस्तेमाल करने के लिए आप टायर को जैक पे लगा लीजिए, उससे हवा भी इसमें तेज़ी से जाएगी और ये जल्दी गर्म भी नहीं होगा, लाइफ भी ज़्यादा रहेगी इसकी। ये मैं खुद यूज़ करता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये क्या होता है, ये एक दो बार मैंने यूज़ करा मैन्युअली, जैसे टायर फ्लैट था, कार खड़ी थी फ्लैट हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, ये गर्म होकर यहाँ से टायर, आप देख सकते हैं ये वायर पिघल गया, ये टूट गया, और यहाँ से बार बार हो रहा था, 2 बार हुआ, तो उसके बाद मैंने ये चेंज कर दिया, 12 वोल्ट का सॉकेट भी चेंज कर दिया, डायरेक्ट बैटरी में लगा दिया, और यहाँ से ये इसका बटन भी चेंज कर दिया, और टायर को मैं जैक पे लगाने के बाद अगर हवा इस तरह होती है ज़्यादा तो मैं, अगर 1-2 मिनट करना है थोड़ी बहुत है तो नॉर्मली ऐसे ही कर दिया, नहीं तो इसे जैक पे लगाने के बाद कर दूँ। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं मैनुअल हैंड एयर पंप को मैं बता देता हूँ। ये जो पंप होता है, आप इसे साइकिल या मोटरसाइकिल में भी, मेन तो ये साइकिल के लिए होता है, अगर आपकी बाइक का टायर फ्लैट है तो आप इसमें थोड़ी बहुत हवा भर सकते हैं, अगर ज़्यादा हवा भरने की कोशिश करेंगे तो ये गर्म होके यहाँ से फट जाएगी, वो मैंने आपको बता भी दिया, और इसमें बस साइकिल के लिए ही ये यूज़ करने के लिए काफ़ी है, अगर आप साइकिल में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी है बस। और ये कितने का आया था, ये 110 रुपये का पंप है और लगभग 4-5 साल से इसी तरह चल रहा है। मैं इसे बाइक में भी ज़रा वरा सा यूज़ करता हूँ, नहीं तो इसे मैं साइकिल में यूज़ करता हूँ, जब मेरा ये पंप काम नहीं करता या कहीं घर वर को छूट जाता है तब, बस ये इसी काम का है। ये 120 रुपीज़ का है। अब मैं इसका रेट बता देता हूँ आपको, ये मैंने अब से 4 साल पहले लिया था, ये 1100 रुपये का मार्केट से लिया हुआ था, और बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये गर्म होने के बाद टायर, इसका तार जो वायर जो है वो पिघल जाते हैं, तो आप इसे जैसे मैंने बताया उसे टायर को जैक पे लगाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको 1 या 2 मिनट के लिए हवा भरनी है तो फिर इसे नॉर्मली ऐसे भी यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो मैंने आपको इस बारे में एयर पंप के बारे में बताया है इलेक्ट्रिकली और मैनुअली, थोड़ी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।